हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का रिव्यू जो होने वाला है, उससे पहले प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर रखा है देन थैंक यू। और वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर कर और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। एंड बेल बटन को हिट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। वीडियो को आगे मेरी वीडियो को पूरा देखिए। आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को भी देख सकते हो, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को आगे शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो आज का रिव्यू होने वाला है वो है कलर सेंस फाउंडेशन। ये है कलर सेंस का एक्वा मेकअप बेस। ये एक बड़ी ट्यूब आती थी ट्रांसपेरेंट की, बट उन्होंने अपना साइज थोड़ा उन्होंने अपना मैन्युफैक्चर थोड़ा सा चेंज किया है, तो वो इस तरह की है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि पैकेजिंग में इसके ऊपर आपको कोई कार्ड बॉक्स नहीं रिसीव होगा, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐसे ही मिलेगा जो कि ट्यूब पे है। ब्लैक ट्यूब मिलती है, काफ़ी अच्छी है, ट्रैवल फ्रेंडली है। कैप वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। इन्होंने उसके ऊपर अपना पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है, जो फुल नेम दिया है वो, और शेड नंबर भी इन्होंने आगे दे रखा है। मेरा शेड है आइवरी 01 और ये मेरी स्किन टोन से काफ़ी मैच है, तो ऐसा लग रहा था कि शायद लाइट शेड है बट मैच हो गया। एंड और जो भी इन्फॉर्मेशन है इंग्रेडिएंट वगैरह की, वो सारी की सारी आपको बैक साइड पे लिखी हुई मिल जाएंगी आपको। इसमें बेस्ट बात ये है कि ये क्रुएल्टी फ्री है। प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइस आती है 199 रुपीज़ और इसमें आपको प्रोडक्ट रिसीव होता है 30 ml। तो ये 199 रुपीज़ है, इसमें आपको 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कलर सेंस के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स पे आपको कभी भी कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप चाहे इनके आउटलेट से लें या फिर आप ऑनलाइन इनको परचेज करें, आप इन पे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है, हमें तो कभी नहीं मिला। तो ये हो गई, और इसमें आपको शेल्फ लाइफ मिल जाती है 3 ईयर की। टू मैन्युफैक्चर है 2020 का और आपको शेल्फ लाइफ मिलती है 2023 की। अच्छी खासी शेल्फ लाइफ मिल जाती है अगर आप इसको कम जो लोग कम यूज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा हो, कम मेकअप यूज़ करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए। ऐसे ट्यूब्स होते हैं इनमें क्वांटिटी कम होती है तो आपके वेस्ट नहीं होंगे, एक्सपायर नहीं होंगे, फुल यूज़ हो जाएंगे। जो इनके क्लेम्स है, ये क्लेम्स करते हैं इसमें कोई भी SPF या फिर इन्होंने सनस्क्रीन प्रोवाइड नहीं की हुई है, ना ही मेंशन किया हुआ है, ना ही इन्होंने डिटेल में कोई कुछ भी दिया हुआ है। बट इन्होंने क्लेम में लिखा हुआ है कि इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द यूवी रेज एंड मेंटेन द मॉइस्चर बैलेंस। तो बिना कोई भी इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, उसके बाद भी दे क्लेम्स कि ये यूवी रेज से प्रोटेक्ट करेगा। फाउंडेशन की बात करें तो आप इसको जैसे ही ओपन करोगे ट्यूब फॉर्म में आएगा, और ये जो शेड है, ये इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी ना बहुत थिक है ना बहुत लिक्विडी है, अच्छा सा है, क्रीम बेस, ठीक है। आप इसको ये बिल्डेबल है, काफ़ी बिल्डेबल है। आप इसको अच्छे से दो या तीन बार भी आप इसको बिल्ड कर सकते हो आप मेकअप टूल की हेल्प से। आप चाहो तो इसे ब्लेंडर से या ब्रश जो मेकअप ब्रशेज होते हैं आप उनसे भी कर सकते हो, बट अच्छा होगा कि आप ब्रश या फिर ब्लेंडर ब्यूटी ब्लेंडर से कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको हाथ से ही ब्लेंड करने की कोशिश करोगे हो तो जाएगा, बट थोड़ा सा ना ऐसा लगेगा जैसे थोड़ा सा पैची टाइप, तो पूरा उतनी फिनिश नहीं आ पाएगी, बस उतना सा फर्क आएगा और कुछ भी नहीं। और ये अच्छा खासा आपको कवरेज दे देता है अगर आप इसको 2-3 बार बिल्ड करते हो तो। इनका माइनस पॉइंट ये है कि इनके सिर्फ 4 शेड आते हैं आई थिंक, और इंडियन स्किन टोन के हिसाब से ये काफ़ी लूज होते हैं, कि काफ़ी माइनस पॉइंट होता है कि सिर्फ 4 शेड मिले, क्योंकि हर एक्वा बेस पे वाटर बेस फॉर्मूला यूज़ किया गया है बहुत ज़्यादा, और ये मैटिफाइन लुक देता है, ये प्योर मैटिफाइन लुक देता है जस्ट लाइक आ मेबलिन। और कलर सेंस के और भी जो प्रोडक्ट हैं उनको भी आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि इनके प्रोडक्ट काफ़ी अफोर्डेबल साइड पे होते हैं और इनकी बहुत लंबी रेंज है, मतलब सब जो भी सब कुछ जो भी आप चाहो आप मेकअप में आप ले सकते हो, इनकी पूरी रेंज होती है आई मेकअप का बेस एंड जो कुछ भी आप मेकअप बोलो और इनके पास प्रोवाइड है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये आपकी स्किन पे 5-6 घंटे आराम से टिका रहेगा।
इन समर में काफ़ी लोगों को स्वेट ज़्यादा होता है, तो बस उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, उनको कॉम्पैक्ट से टचअप लेना पड़ेगा, वरना सा थोड़ा सा केकी या फ्लेकी लगने लगता है क्योंकि स्वेट की वजह से, और इसके ऊपर में कि स्वेट की वजह से। एंड अदर मौसम में, अदर सीजन्स में तो आप बेधड़क यूज़ कर सकते हो, अच्छा रहेगा ये ऑयली स्किन वालों के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। ऑल स्किन टाइप यूज़ कर सकते हैं, बट ऑयली क्योंकि मैटिफाइन लुक चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है क्योंकि फर्स्ट ऑफ अफोर्डेबल साइड पे आ जाता है, सेकंड की प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है, जो भी टेक्सचर है काफ़ी अच्छा है ऑल ओवर। एंड एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर आप इसके बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो इसका जो प्री मेकअप बेस होता है यानी कि प्राइमर, आप उसको यूज़ करो तो इसके बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। ऑल ओवर आप लोगों में से कौन कौन कलर सेंस यूज़ करते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए फिर वीडियो को एंड कीजिए। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आगे की वीडियोस देखने के लिए, मेरे प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए, और आपका फीडबैक हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड आज के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दूसरे से अलग होती है।